हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक जोन प्लेट, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द जोन प्लेट एंड थ्योरी ऑफ द जोन प्लेट एंड आल्सो एक्सप्लेन द मल्टीपल फोकाई ऑफ द जोन प्लेट एंड डिस्क्राइब द रेडियाई ऑफ द जोन प्लेट सर्किल्स is directly proportional to the square roots of the natural numbers। आज हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, आपका जोन प्लेट क्या होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार इसकी थ्योरी हम देंगे और उससे हम फोकल रेडियाई को फाइंड करेंगे विद डेरिवेशन। आपका ये क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये इम्पोर्टेंट है आप एग्जाम में आने के लिए। तो आइए बात करते हैं, फर्स्टली जोन प्लेट होता क्या है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना, उसमें हमारे पास कोई लाइट सोर्स था और वो लाइट सोर्स किसी भी नैरो स्लिट से इमर्ज होने के बाद क्या हो रहा था, बेंड हो रहा था या डिस्ट्रीब्यूट फैल रहा था। तो उस प्रकार हमने वहां पे फ्रिंजेस ऑब्टेन की थी डिफ्रेक्शन पैटर्न में और उसी फिनोमिना पे बेस हमारा ये जोन प्लेट है। इसमें हमारे पास ये एक प्रकार का ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो एक स्पेशल डिफ्रेक्टिंग स्क्रीन डिजाइन की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। मींस ये जोन प्लेट जो डिवाइस है ये डिफ्रेक्शन पैटर्न फिनोमिना ऑफ द लाइट पे डिपेंड है, उसको ऑब्जर्व करता है और हमारे पास कोई भी जोन प्लेट कंस्ट्रक्टिंग सर्किल्स की फॉर्म में हम उसको ऑब्टेन करते हैं, जैसा कि हमने फिगर नंबर वन में शो किया हुआ है। फिगर नंबर वन देखिए जोन प्लेट्स के लिए, जोन प्लेट में हमने शो किया है दिस इज द कंसेंट्रिक सर्किल्स आर वन, इसकी हमारे पास रेडियाई है। इसी प्रकार अनदर सर्किल्स हैं आर टू आर थ्री और जब तक हमारे पास एंड सो एन एन एथ जोन प्लेट के लिए बात करेंगे तो आर एन हमारे पास इसकी रेडियाई होगी और इनको हम जोन प्लेट्स को ऑल्टरनेटिव कंसेंट्रिक्स जो सर्किल्स हैं उसकी फॉर्म में इनको हम फॉर्मेट करते हैं। प्रैक्टिकली जब इनको फॉर्मेट करते हैं तो ऑल्टरनेटिव पैटर्न में इनको ऑप्टेन करते हैं, क्लियर। और जोन प्लेट का यूज हम एज ए कंपैरिजन कॉन्वेक्स लेंस के बिहेवियर पे करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस वर्क करता है ऑप्टिक्स में उसी प्रकार से जोन प्लेट भी वर्क करती है और इस प्रकार हम जोन प्लेट को एक स्पेशल डिफ्रेक्टिंग स्क्रीन डिजाइन के थ्रू कंसेंट्रिंग सर्किल्स की फॉर्म में ऑल्टरनेटिव इसको ओपन कर सकते हैं जो हमने फिगर नंबर वन में शो किया है, क्लियर। तो उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस ऑफ द जोन प्लेट। कंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास फिगर नंबर वन को हमने ड्रॉ किया है और इसमें हमारे पास लार्ज नंबर में कंसेंट्रिंग सर्किल्स हैं जिनके अपने अपने रेडियाई हैं। फर्स्ट के लिए हमारे पास आर वन, सेकेंड के लिए आर टू और एनथ के लिए आर एन, क्लियर। और ये ऑल्टरनेटिव पैटर्न में है और इसके साथ साथ हमारे पास जो हाफ पीरियड जोन्स हैं हम किस प्रकार जोन प्लेट से फॉर्मेट करते हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए प्रैक्टिकली हमारे पास कोई सर्किल है और जस्ट सपोज दैट हमारे पास फर्स्ट जोन प्लेट सर्किल है, इसकी रेडियाई आर वन है और जो इसका कंप्लीट एरिया होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, क्लियर। और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड सर्किल है और फर्स्ट सर्किल है इनके बिटवीन जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे सेकंड हाफ पीरियड जोन, मींस एरिया बिटवीन द सेकंड सर्किल एंड फर्स्ट सर्किल, क्लियर। उसी टाइप से हमारे पास थर्ड हाफ पीरियड जोन होगा, उसमें थर्ड का और सेकंड का जो एरिया है उन दोनों का बिटवीन जो उसको लेंगे। उसी टाइप से हमारे पास एनएथ हाफ पीरियड जोन प्लेट जो होगा
वो nth जोन प्लेट सर्किल और n माइनस वन मतलब उससे पहले की जो हमारे पास सर्किल है उनके बिटवीन का जो एरिया होगा वो कहलाएगा nth हाफ पीरियड जोन। क्लियर। तो इस प्रकार हम इसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर नंबर वन, राइट। और उसके बाद हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ द जोन प्लेट, और ये हमारा आर्टिकल भी है। इसमें हमें वो रेडियाई फाइंड करनी है उन कंसेंट्रिक सर्किल्स की जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल आपको प्रूव करनी है। तो उसके लिए हमने कंडीशन ली, और इसको प्रूव करने के लिए हमने फिगर नंबर सेकंड ड्रॉ किया हुआ है। आइए इसको देख लेते हैं। फिगर नंबर सेकंड थ्योरी ऑफ द जोन प्लेट आपका इसके थ्रू एक्सप्लेन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, और ये हमारे पास ल्यूमिनियस पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एमिटिंग स्फेरिकल वेव्स, मीन्स हमारे पास यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है तो उसका अपना कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है। सपोज दैट वो वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, और इस वेवलेंथ का जो सोर्स है हमारे पास वो एमिट कर रहे हैं हम स्फेरिकल वेव में, और इसको हमने शो किया है पॉइंट ओ से। क्लियर। अनदर पॉइंट हमारे पास है आई, कैपिटल आई, दिस इज द इमेज ऑन द स्क्रीन। ये हमारे पास प्रतिबिंब की जो आकृति है उसको बनाएगा पर्दे पे स्क्रीन पे। क्लियर। और पॉइंट पी हमने यहाँ पे शो किया है इस फिगर में, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो ये हमारे पास वो सेंटर पॉइंट है पी। क्लियर। और ए बी, कैपिटल ए बी यहाँ पे शो किया हुआ है, कैपिटल ए बी इज द इमेजिनरी ट्रांसपेरेंट प्लेट। ये हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट है जो हमने इस ओ आई के परपेंडिकुलर में ली है, राइट एंगल पे ली है, और सेंटर पॉइंट पी से हमने फर्स्ट जोन प्लेट के लिए जो रेडियाई प्लेट्स की है वो होगी हमारे पास आर वन। क्लियर। पॉइंट पी टू एम वन, और इसी टाइप पॉइंट पी टू और एम टू होगी हमारे पास आर टू, आर थ्री और आर फोर एंड एंड एस सो एन, और एन एफ के लिए हो जाएगी हमारे पास आर एन। क्लियर। तो ये सेंटर से हमें ये रेडियाई आपको लेनी है। क्लियर है। और पॉइंट इमेज सॉरी पॉइंट ओ से और पॉइंट पी के बीच जो डिस्टेंस है स्मॉल यू है, और पॉइंट पी से इमेज के डिस्टेंस कितनी है वी, जैसे आप ऑप्टिक्स में यूज करते हो ऑब्जेक्ट से जो सेंटर की डिस्टेंस है वो यू होती है, केंद्र से वस्तु की दूरी और उसके बाद प्रतिबिंब से केंद्र की दूरी, इस प्रकार आपने शो की है। क्लियर। तो आइए हम फाइंड करते हैं रेडियाई, और उसको फाइंड करने के लिए हमने कंडीशन दी अकॉर्डिंग टू द फिगर नंबर टू, लेट कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑन द प्लेट पी, और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, इस पे हमारे पास वो सर्किल्स फॉर्मेट हो रहे हैं एज ए सेंटर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लेंगे उनको। तो हमने कंडीशन दी, लेट अस सपोज पी एम वन ये कितना है आर वन, मीन्स फर्स्ट जोन प्लेट जो सर्किल्स हैं उसका रेडियाई है ये आर वन। सेकेंड के लिए पी एम टू आर टू, पी एम थ्री आर थ्री एंड सो ऑन, हमें बात करनी है एनएथ जोन प्लेट के लिए, तो ये हो जाएगा पी एम एन इक्वल आर एन, राइट है। तो इसके बाद हमने कंडीशन दी है कि अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और वो लाइट सोर्स ऑब्जेक्ट एमिटिंग लाइट सोर्स है वो टू टाइप से स्प्लिट हो रहे हैं, बिकॉज पहले बार हमारे पास कंडीशन है सेंटर टू ऑब्जेक्ट एंड सेंटर टू इमेज, तो ये टू टाइप की वेव जिस सर्किल फॉर्म में ट्रेवल होंगी, और इनका जो पाथ होगा वो डिपेंड करेगा इनकी वेवलेंथ पे लैम्डा पे। क्लियर। और ये हमारे पास टू फॉर्म में है, मीन्स सेंटर टू ऑब्जेक्ट और सेंटर टू इमेज, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय टू। क्लियर। तो पाथ अगर आपको फाइंड करना है तो इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं,
लैम्डा बाय टू, उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ का हाफ करना है ड्यू टू दिस इफेक्ट। क्लियर? तो उसके लिए कंडीशन ली हमने, ज्योमेट्री का यूज किया, ओ एम वन आई माइनस ओ पी आई। देखिए फिगर नंबर टू में ओ एम वन आई माइनस ओ पी आई, ये हमारे पास वो वेव है, स्फेरिकल वेव है, जिनको हमने टू कंडीशंस में स्प्लिट किया है, उनका ये क्या है पार्ट डिफरेंस है, तो यह आ जाएगा लैम्डा बाय टू के इक्वल। क्लियर? अब बात करेंगे हम, ये तो बात है हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट जोन प्लेट के लिए। अब बात करेंगे हम सेकंड जोन प्लेट के लिए, तो वो हो जाएगा ओ एम टू आई माइनस ओ पी आई, तो वो हो जाएगा सेकंड के लिए बात है, तो ये हो जाएगा टू लैम्डा बाय टू। इसी प्रकार से थर्ड के लिए बात करेंगे, ओ एम थ्री आई माइनस ओ पी आई, वो आ जाएगा थ्री लैम्डा बाय टू। और एन सो एन हम बात करेंगे लास्ट के लिए, एन एच के लिए, तो ओ एम एन आई आ जाएगा माइनस ओ पी आई इक्वल एन लैम्डा बाय टू। क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर वन एन एथ जोन प्लेट के लिए अपने फॉर्मेट की है। क्लियर है ना डायग्राम टू के अकॉर्डिंग? ये आपकी फर्स्ट जोन प्लेट है और ये आपकी सेकंड एंड सो ऑन एन एथ के लिए आपके पास इक्वेशन नंबर वन अपने फॉर्मेट की है विद दी हेल्प ऑफ फिगर नंबर टू। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है, नाउ लेट अस फाइंड द रेडियस आर एन, हमें एन एथ जो जोन प्लेट है उसका रेडियाई फाइंड करना है आर एन ऑफ एनथ सर्किल्स, एन सर्किल के लिए। तो उसके लिए कंडीशन ली हमने, ज्योमेट्री से लिया हमने ट्राइंगल ओ एम एन पी से, ओ एम एन पी, ओ एम एन पी से हमने ये कंडीशन ली ट्राइंगल, और इससे हमने कंडीशन ली हमें ओ एम एन फाइंड करना है, ओ एम एन स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम एन का स्क्वायर, ओ एम एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम एन का होल स्क्वायर। क्लियर? और इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे हम, ओपी कितनी है यू, पी आई कितनी है वी, तो ओ एम एन आ जाएगा इक्वेशन नंबर टू के बाद, ओ एम एन इक्वल ओपी की वैल्यू है यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस पी एम एन कितना है पी सेंटर से, और आपकी एनएथ जो जोन प्लेट है उसका कितना है रेडियाई आर एन, तो ये हो जाएगा आर एन का स्क्वायर की पावर हम लेंगे वन बाय टू, पावर इन पुट हो गया। ठीक है, सॉल्विंग करके इक्वेशन नंबर थर्ड आपने फॉर्मेट करी, और उसके बाद ओ एम एन की वैल्यू आपने सोल्व करने के बाद नेक्स्ट फंक्शन बनेगा, आपने यू स्क्वायर फंक्शन कॉमन लिया हुआ ऊपर पावर वन बाय टू में, तो कैंसिल आउट हो जाएगी टू, तो ये बचेगा यू ब्रैकेट में वन प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की पावर वन बाय टू। अब आप यूज करोगे बाइनोमियल थ्योरम वन प्लस एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, और जो उसमें से आपके पास हायर टर्म्स हैं उनको आप नेगलेक्ट कर दोगे, और केवल फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपको लेना है, तो ये बनेगा ओ एम एन इक्वल यू बाहर है ये वन प्लस आर एन की पावर टू और टू यू स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आ गया टू ए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और हाइड्रन आपने इसमें से रिमूव कर दिया। क्लियर? इसको सोल्व करेंगे हम, तो ओ एम एन आएगा यू को आप कैंसिलोगे अंदर, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और सोल्व करने के बाद फंक्शन बनेगा ओ एम एन इक्वल यू प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन टू यू, इक्वेशन नंबर फोर। तो इस प्रकार आपने ओ एम एन फाइंड किया एन एथ जोन प्लेट के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी है यू प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन टू यू। क्लियर? इक्वेशन नंबर फोर। तो जैसे हमने इक्वेशन नंबर फोर फॉर्मेट की है, ओ एम एन की वैल्यू यू प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन टू यू हमने फॉर्मेट की है ज्योमेट्री से फिगर नंबर टू के अकॉर्डिंग। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे वैल्यू एम एन आई, एम एन आई आइए देखिए, इसके लिए ट्राइंगल लेंगे हम एम एन पी आई, एम एन पी और आई, इसमें हम एम एन आई फाइंड कर लेंगे। सिमिलर एम एन स्क्वायर इक्वल पी आई स्क्वायर और पी एम एन स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी सोल्व करने के बाद बी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन टू बी,
इक्वेशन नंबर 5, कुछ चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू यू है और वहां पे क्या वैल्यू आएगी, वी मीन्स ये वैल्यू चेंज होगी, ऑब्जेक्ट टू सेंटर और इमेज टू सेंटर। ठीक है, आप किसी एक को सोल्व करना है आपको एग्जाम में और एक वैल्यू आपको सिमिलर लेनी है। क्लियर, तो ये ट्राइंगल एम एन पी आई से आपने फाइंड किया है, राइट। उसके बाद आपने अगेन ज्योमेट्री यूज करी है और आपने एन एफ जोन प्लेट के लिए आपको फाइंड करनी है रेडियाई, तो कंडीशन दी हमने ओ एम एन आई, ओ एम एन आई माइनस ओ बी आई, मीन्स बात हो रही है एन एफ जोन प्लेट के लिए, तो ये कंडीशन हमने इस प्रकार फाइंड की। हमने इसको मॉडिफाई किया, इस फंक्शन को ओ एम एन आई को इसको मॉडिफाई किया, तो बन जाएगा ओ एम एन प्लस एम एन आई, ओ एम एन प्लस एम एन आई। क्लियर है, दे सकते हैं आप इसका माइनस ओ पी आई एज इट इज, राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर रहे हैं, ओ एम एन आई को आपने, ओ एम एन आई को आपने शिफ्ट किया ओ एम एन में प्लस एम एन और आई में। क्लियर, दोनों का सम है ये, तो ये आपके पास माइनस ओ पी आई एज इट इज है, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मेट होगी। क्लियर, अब आपने इक्वेशन नंबर 4 से ओ एम एन की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 5 से एम एन आई की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 6 में और सॉल्व किया, ये फंक्शन आपका एज इट इज है, आपका ओ एम एन आई माइनस ओ पी आई इक्वल आएगा यू प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन टू यू प्लस पी प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन टू वी। क्लियर, माइनस ओ पी आई कितना हो जाएगा, ओ पी आई मीन्स दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा U प्लस वी। क्लियर है, ओ पी आई हो जाएगा ओ पी प्लस पी आई, तो वैल्यू यू और प्लस वी। क्लियर है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया इक्वेशन नंबर 7 फॉर्मेट करेंगे, तो ओ एम एन आई माइनस ओ पी आई आपको फाइंड करना है, तो इक्वल यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल है वो कैंसिल आउट कर देंगे, U से U कैंसिल आउट हो रहा है माइनस का है और v ये प्लस है यहाँ पे माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस टर्म में से हम आर एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, टू बी कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 प्लस यू प्लस 1 अपॉन वी। क्लियर है, इक्वेशन नंबर आपकी है 7, राइट विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है ओ एम एन आई माइनस ओ पी आई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, एन एफ जोन प्लेट के लिए एन लैम्डा बाय टू के इक्वल है इक्वेशन नंबर 1 से। क्लियर, तो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 7, इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो ये फंक्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन बनेगा हमारे पास ये वैल्यू इसके इक्वल होगी एन लैम्डा बाय टू के, तो आर एन स्क्वायर अपॉन टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल एन लैम्डा बाय टू, राइट है। उसके बाद हमें आर एन निकालना है, रेडियाई निकालनी है एन एफ जोन प्लेट के लिए, तो इसको सोल्व करेंगे टू से टू कैंसिल आउट, आर एन स्क्वायर सोल्व करने के बाद बचेगा हमारे पास इक्वल ये कॉमन आ जाएगा यू बी, ये कैरी कर जाएगा ऊपर, तो यू बी अपॉन यू प्लस बी और इंटू एन लैम्डा। क्लियर, हम इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बचेगा आर एन इक्वल इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर रूट आ जाएगा और इंटू एन लैम्डा का स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इक्वेशन नंबर आपकी है 9। क्लियर है, अब आपको पता है जो भी हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसको हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब लेते हैं तो इक्वल बनाते हैं इक्वेशन को, उसी प्रकार हम इक्वल वाली कंडीशन को सीधा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारे पास है और हमने इसको रिमूव किया कॉन्स्टेंट मान लिया, तो ये बन जाएगा आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट एन। क्लियर है, और हमारे पास मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ है तो उसके लिए यहाँ पे लैम्डा को रिमूव कर देंगे, बंद हो जाएगा। क्लियर, तो ये बचेगा आर एन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट एन। एन क्या है हमारे पास, ये एन एफ जोन प्लेट के लिए नेचुरल नंबर है। क्लियर, तो इस प्रकार हमने इक्वेशन नंबर 10 दिस इज द एन ट्रू। क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जब द रेडियाई ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। क्लियर, आइए देख लेते हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 है, तो जैसे हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 1 मीन्स सोल्व करेंगे 1, और रेशो में अगर हम एन की वैल्यू लेंगे 2 तो बनेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट
हो जाएगा 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। इस प्रकार से अगर हमारे पास nth प्लेट है तो उसके लिए स्क्वायर रूट n, क्लियर। और इस प्रकार हम किसी भी दो प्लेट के लिए जो हमारे पास रेडियाई होती है, रेडियाई को प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में कंडीशन आपको देनी है कि जो दो प्लेट है वो मल्टीपल